Students, my name is Dhimani, और मेरे साथ में आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर चुके हैं ज्योग्राफी में आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया जिसका नाम है तो इस में हम समझेंगे की ट्रॉपिक्स क्या है ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है और हम जानेंगे अबाउट एमेजॉन बेस्ट इन एंड टॉक अबाउट गंगा ब्रह्मपुत्री फर्दर डिले लेट्स

ज दिस सेरेमनी टेक्स प्लेस ये जो भी आपको एक एक्टिविटी दिखाई दे रही है गंगा आरती आपको नजर आ रही है तो ये किस जगह की गंगा आरती हो सकती है ओके एंड वट एल्थ डू यू नो अबाउट दिस सेरेमनी डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट इफ यू डू नॉट है

जैसी भी उनके आसपास की जो सिचुएशन है, है जैसा भी क्लाइमेट है जैसी भी कंडीशन है वो उनको अडेप करेंगे और उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे क्यों भाई एडजस्ट क्यों कर रहे हैं क्योंकि उनके लाइक दे नॉट मूव प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स क्या है अपने एक ही जगह पर टिके हुए हैं तो जैसी भी किसी भी जगह की क्लाइमेट किसी भी जगह का जो वेदर लाइक सिचुएशंस हैं तो ये सब लाइक like, वहां का क्लाइमेट ये डिसाइड करता है कि वहां का जो फ्लोरा एंड पोना है वो किस तरह का होगा ठीक है चलिए अब देखो जो प्लांट्स है वो तो मूव नहीं कर सकते एनिमल्स मूव कर सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में मूव कर सकते हैं and किसी देश की गवर्नमेंट कुछ एनिमल्स को एक जगह से दूसरे कंट्री में नहीं बुलाती है ठीक है तो उनके लिए लाइक दे आर बाइंड टू जस्ट अडेप्ट एंड एडजस्ट बट ह्यूमन दे आर लाइक दे आर फ्री वो कहीं भी जा सकते हैं कहीं भी रह सकते हैं पर कहीं भी रहेंगे तो वहां के हिसाब से उनको क्या वो लाइक वो किस तरह का खाना खा रहे हैं वो किस तरह की, की ड्रेसेस पहन रहे हैं ठीक है वो किस तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह का है उनके आसपास किस तरह के रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है लाइक वहाँ की वेजिटेशन किस तरह की है वहां एनवायरमेंट किस तरह का है ठीक है तो चलो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे अबाउट दिस

ठीक है तो इस इक्वेटर से टेन डिग्री तक जीरो से टेन डिग्री तक का जो एरिया है उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ठीक है जीरो से टेन डिग्री अब टेन से थर्टी का जो एरिया हो जाएगा उसको हम बोलेंगे सब ट्रॉपिक रीजन ठीक है और ये दोनों तरफ होगा यानी जीरो से टेन डिग्री नॉर्थ जीरो से टेन डिग्री साउथ क्या हो गया ट्रॉपिकल रीजन जीरो नॉर्थ टेन से थर्टी डिग्री साउथ ये क्या हो गया सब ट्रॉपिकल रीजन ठीक है तो अब इन्हीं रीजन पर लाइक करता है इन्हीं में से एक में आपका क्या लाइक कर रहा है Amazon River Basin है फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन विच इज गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन तो देखो एमेजन जो है क्या है एक इट इज दार्जेस्ट रिवर इन दर्ल्ड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैरीज जितना वाटर ये कैरी कर रही है उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि अमेजोन इज द लार्जेस्ट रिवर ठीक है इट राइजेज इन एंडीज माउंटेन इन पेरू एंड लाइक फ्लोज ईस्ट वर्ड इन अटलांटिक ओशन इस इंफॉर्मेशन को क्योंकि ये सारी क्या है एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो आपको मैप डेफिनेटली साथ में लेकर बैठना चाहिए आई वुड सजेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने मैप नहीं लिया है आपके पास में कोई एटलस अवेलेबल नहीं है तो आप पहले एक एटलस को लीजिए उसके बाद में इसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए आप फटाफट से ये देख पाएंगे कि ये जिस लाइक एमेजोन रिवर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कहां से राइज कर रही थी ये राइज कर रही है एंडीज माउंटेन से ठीक है पेरू में ठीक है आप मुझे बताइए कि जब हम एंडीज माउंटेन की बात कर रहे हैं तो हम साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं या नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं यू टेल मी ठीक है अब ये क्या करेगी देखो ईस्टवर्ड फ्लो करेगी कहां पे अटलांटिक ओशन में ठीक है दमेजोन बेस्ट इन ऑल्सो नोन एज एमेजोनिया लाइज बिटवीन ग्वेना हाइलैंड इन नॉर्थ एंड ब्राजीलियन हाइलैंड इन दी साउथ ब्राजील ठीक है ब्राजील इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दुनिया की पांचवी लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है ब्राजील है लेकिन जब आप बात करोगे साउथ अमेरिका की तो ब्राजील जो है उसमें सबसे लार्जेस्ट है इट इज द लार्जेस्ट वन ठीक है इन साउथ अमेरिका ब्राजील इज लार्जेस्ट वन बट इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट ओके चलिए दिस वास्ट रिवर बेसिन एंड कंपास अबाउट सेवन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड कवर्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ब्राजील एंड पार्ट ऑफ बोलिविया पेरू इक्वेडोर कोलम्बिया एंडलाइड इंफॉर्मेशन एज आई आप फटाफट पड़ से उठाइए कहा गए थे जो अलॉन्ग देंथ ऑफ एमेजॉन रिवर वॉज द स्पेनिश देखो वो ट्रैवल कर रहे थेग देंथ ऑफ एमेजॉन रिवर ओके वॉज द कौन थे ये एक स्पेनिश सेलर थे क्या नाम था इनका फ्रांसिस्को डी ठीक है अब इन्हें क्या हुआ कि जब ये और इनकी टीम जा रहे थे तो इनको रास्ते में एक क्या मिली एक ट्राइब मिली कौन कैसी किस तरह की ट्राइब ऑन पी वुमेन ठीक है दे वर लाइक वॉरियर्स ऑल्सो एंड इनके बीच में और इस ट्राइब के बीच में क्या होती है एक छोटी सी बैटल हो जाती है जब बैटल होती है तो उसके बाद में लाइक जब ये इन लोगों से मिले इनके बारे में इनको ये जाने तो इन्होंने क्या किया इनको क्या याद है इट रिमाइंडेड ऑफ द वॉरियर वुमेन इन ग्रीक माइथोलॉजी इनको ऐसे मतलब ये याद है कि भाई ग्रीक माइथोलॉजी में भी इस तरह की है है, तो उनके नाम पर इस रिवर को क्या नाम दे दिया गया एमेजोन रिवर नाम दे दिया गया द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन एमेजोन बेसिन टू फिफ्टी सेंटीमीटर रेनफॉल इज कन्वेक्शनल टाइप एंड इट अकर्स ऑलमोस्ट एवरी डे इन आफ्टरनून अब क्योंकि ये क्या हो रही है हर हर दोपहर में लगभग वहां पर आपको रेन देखने के लिए मिल ही रही है तो फिर दिस टाइप ऑफ रेन इज कॉल्ड फोर ओ क्लॉक रेन क्या बोलेंगे इसको फोर ओ क्लॉक रेन ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अबाउट दी लैंड देखो थाउजेंड विद मोर देन थाउजेंड ट्रिब्यूटरीज आप देखेंगे कि एमेजोन के पास कितनी ट्रिब्यूटरीज क्या होती है हेल्पिंग रिवर्स जैसे अब हम इंडस की बात कर रहे थे इंडिया के अंदर आप इंडस की बात करते हैं तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है बताइए इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं सतलज ब्यास चिनाब एंड रावी एंड विच इज द इज द फिफ्थ वन टेल्मी ओके सतलज ब्यास रावी चिनाब यस चिनाब वॉज ऑल्सो वन ऑफ या

ट्वेंटी परसेंट वाटर जो है जो क्या कर दिया जा रहा है विच इज कैरी टू द के पास में लाया जाता है बाय रिवर कम्स फ्रॉम एमेजोन से ही आ रहा है वो ठीक है द द डाउन फ्रॉम माउंटेन्स एंड ट्रिब्यूटरीज आर डिपोजिटेड गिविंग राइज टू वास्ट एल्यूवियल प्लेन आई टोल्ड यू ना तो जो एल्यूवियल प्लेन वाली जो जो भी लैंड होगी जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा क्या दिखेगी आपको फर्टाइल लैंड दिखाई देगी और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिखाया गया है आपको एमेजोन बेसिन जो है वो दिखाया गया है विद इट्स ट्रिब्यूटरीज ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमेट क्लाइमेट किस तरह का होगा भाई इक्वेटर के आसपास का रीजन है तो हॉट तो हो होगा ही होगा वेट भी होगा वेट क्यों होगा क्योंकि प्रॉपर आपको रेन भी तो देखने के लिए मिल रही है ना तो अब यहाँ पे क्या है सीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल एबसेंट है ठीक है ना एबसेंस ऑफ सीजन ठीक है एंड टेम्परेचर आर यूनिफॉर्मली हाई Averaging in between 25 degree to 30 degrees, okay. And uh, these there is a little variation in the length of day and night, but nights are cooler than days, okay. Rate jo hai, wo kuch hai, these are cool, uh, ke comparison, okay. They are like cooler in comparison to the daytime. The weather is cloudy all the year round, and humidity is generally very high. रेनफॉल इज हैवी एंड अकर्स थ्रू आउट द पूरे साल रेनफॉल आराम से देखने के लिए आपको मिलेगा अब ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको किस तरह का फ्लोरा एंड फोना देखने के लिए मिलेगा पहली बात तो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द एमेजॉन बेसिन आर वन ऑफ द रेयर एरियाजिन फॉरेस्ट एक्जिस्ट ठीक है एंड देन देखो दीज एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आर लार्जेस्ट ऑफ दियर काइंड इन द वर्ल्ड एंड आर कॉल्ड सेल्वा इनको क्या बोला जाता है सेल्वा बोला जाता है यहाँ पे आपको आपका होना चाहिए फॉर्म्स ओके तो इट फॉर्म्स द केनोपी एट द टॉप ठीक है दिस प्रिवेंट द सनलाइट फ्रॉम दिन टू द फोरेस्ट एंड द इंटीरियर आर डार्क एंड डैम ठीक है इसकी वजह से क्या है इनकी जो जो जिस तरह की स्ट्रक्चर जो फॉरेस्ट की मिल रही है उसकी वजह से सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पा रही यार पे ठीक है मॉसेस एंड फॉर्न्स ग्रो ऑन दी ग्राउंड ठीक है क्लाइंबर्स लाइक लियान लियानस ओके एंड दीज आर फाउंड अलोंग ऑल द टॉल ट्रीज स्ट्रॉन्ग ठीक है किस तरह की आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा जो वेजिटेशन है देखो इबोनी महोगनी रोजवुड रबर सिलकोना ठीक है ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो देखने के लिए मिलेंगे ठीक है आप देखिए इबोनी महोगनी एंड लाइक इंपॉर्टेंट ट्रीज दीज आर सम इंपॉर्टेंट ट्रीज लाइक रोजवुड ठीक है दे प्रोवाइड एक्सीलेंट हार्ड टिम्बर आपको यहाँ से क्या मिल रही है एक बहुत ही शानदार क्वालिटी की टिम्बर प्रोवाइड हो रही है दी कार्नोबा ठीक है दी कार्नोबा प्लेन लाइक दीज पाम ट्रीज यील्ड वैक्स जहां से आपको क्या मिलेगा वैक्स विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग शू पॉलिश ठीक है देन देर आर सो मेनी अदर थिंग लाइक वार्निश एंड कैंडल्स ये सब आपको यहाँ से लाइक प्रोवाइड like, होगा ठीक है इसके सिवाय जब हम बात करेंगे सिंकोना की सिंकोना की छाल से आप क्या बनाते हैं क्वनाइन बनाते हैं क्वनाइन से क्या होगा आप क्योर कर पाएंगे मलेरिया Mal को ठीक है द जूस ऑफ द चिस्ली ट्री आई एम नॉट श्योर वेदर द प्रोनाउंसिएशन विल बी चिस्ली और चीकलाई ठीक है समटाइम पीपल आर कॉलिंग इट चिस्ली ठीक है सो दिस ट्री इज यूज्ड टू मेक चिंगम ठीक है फोरेस्ट ऑल्सो येल्ड ऑफ अदर प्रोडक्ट लाइक रबर नट गो मेगर राइट चले अब यहाँ की वाइल्ड लाइफ किस तरह की होगी किस तरह के यहाँ पे जानवर देखने के लिए मिलेंगे देखो फटाफट से दिस इज पूने के लिए मिलेगी एमेजन बेसिन में आपको देखने के लिए मिलेगी ओके सो दिस

Pumas and jaguars are animals of prey. Okay, and then tapirs, and ancient mammal. Like uh, here is the ancient mammal, which is uh, called anteaters, and then armadil armadillos. Right? Okay. So these are the like uh, you can say these are the uh, fauna.

the colorful bird like uh, what the, there are some birds like hummingbird and then here is toucans and then different type of parrots also are found here theek hai so basically you just need to understand ki jahan pe climatic conditions is tarah ki hain kis tarah ki climatic conditions hai beta आपको पूरे साल बारिश देखने के लिए मिल रही है ठीक है seasons का कोई concept ही नहीं है ठीक है तो ऐसे like uh, ऐसे situation में और इन areas में किस तरह की आपको वाइल्ड लाइफ देखने के लिए मिलती है किस तरह की आपको नेचुरल वेजिटेशन देखने के लिए मिलती है दिस दिस इज इज ऑल लाइक दे आर कवरिंग कवरिंग द बुक इन एक्टिविटीज किस तरह की होंगी देखो हंटिंग गैदरिंग तो देखने के लिए मिलेगी मिलेगी फिशिंग देखने के लिए मिलेगी ठीक है प्लस आप देखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं एंड देन सम आर डूइंग व्हाट यहां आप देखोगे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मतलब आपने कोई क्रोप कल्टीवेशन किया ठीक है क्रोप uh, अच्छी कल्टीवेट हो गई उसके बाद में कुछ समय के लिए उस लैंड को जब लाइक फसल को काट लिया जाएगा क्या कर देंगे ये उसको बर्न कर देंगे ठीक है और फिर लाइक व्हाट दे कैन डू आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे विल यूज दिस अगेन दिस लैंड अगेन ठीक है अब देखो यहां आपको दिया गया किस तरह का क्रॉप ये लोग कल्टिवेट करें मेन क्रोप ग्रोन आर कसावा या मेज बनाना वेजिटेबल्स ठीक है आफ्टर टू टू थ्री इज दूस द फर्टिलिटी एंड देन द द पीपल अबंडन एंडन दू मेक अ न्यू वन ठीक है एल्सवेयर जब एक एक ऐसा समय आ जाएगा कि इस लैंड की जो है फर्टिलिटी क्या हो जाएगी बिल्कुल लूज हो जाएगी तो अब ये क्या करेंगे ये इसको क्लियर करेंगे एक नई जगह पर ये इसको लाइक like, किसी नए फॉरेस्ट में फिर से देखेंगे ठीक है कल्टीवेट करने का लाइक विद इन द फॉरेस्ट ज हार्मुलटलिंग for okay? okay? कुछ पार्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलता है बेटा यहाँ पे आपको रबड़ ट्रांस प्लांटेशन देखने के लिए मिलता है वेयर रबड़ इज ग्रोन ऑन कमर्शियल स्केल जहां पर लाइक like, व्यापारिक पर्पज से व्यापार करने के ट्रेड करने के पर्पज से रबड़ को लाइक uh, like, uh, क्या किया जाता है ग्रो किया जा रहा है ठीक है नाउ कॉफी कोकोआ एंड नट्स आर आल्सो ग्रोन लाइक कमर्शियली इन सम प्लेसेस मिनरल्स लाइक आयरन और गोल्ड टेन कॉपर मैग्नीज एंड बॉक्साइड आर फाउंड इन द रीजन एंड हैज लेड माइनिंग एक्टिविटीज इन सम प्लेसेस ऑल अब देखो ट्रांसपोर्टेशन किस तरह का है ये देखो सब तरह का ट्रांसपोर्टेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा ठीक है ना लाइक like वाटरवेज के थ्रू देखने के लिए मिलेगा ट्रांस एमेजोनिया मिलेंगे लिंक्स दी अटलांटिक पोर्ट्स टू टू पेरू रनिंग थ्रू द सम ऑफ बिग अलॉन्ग वे देर आर वेरी फ्यू बिग सिटीज इन एमेजॉन बेस इन बहुत ही कम क्या मिलेंगी आपको बिग uh, सिटीज देखने के लिए मिलेंगी ठीक है सो मेनोव इन ब्राजील इज मेजर रबर कलेक्टिंग सेंटर ओके इन अपर पार्ट ठीक है यहाँ पे आपको कुछ सिटीज एंड कुछ लाइक like, ऐसी जगह के बारे में आपको बताया जा रहा है जहां पे आपको इनके ट्रांसपोर्टेशन सिटी लाइक फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा देन बेलिम इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ एमेजॉन इन ब्राजील दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट दैट यू नीड टू नो वाई बिकॉज इट इज द चीफ पोर्ट ऑफ द रीजन ठीक है तो एमेजॉन रिवर बेसिन लाइक एमेजॉन के लाइक like माउथ पर यानी कि मुहाने पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बेलिम बेलिम क्या है इट इज चीफ पोर्ट ठीक है ऑफ दिस रीजन ठीक है इसके बाद में इक्वेटोस इन पेरू इज अनदर पोर्ट ऑफ एमेजॉन लाइफ इन एमेजॉन बेसिन हैज अंडरगोन मेनी चेंजेस इन रिसेंट इयर्स कई तरह के चेंजेस देखने के लिए मिले हैं द more more forest कवर इज ग्रेजुअली गेटिंग डिप्लीटेड एंड गिविंग वे टू land फॉर ग्रेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ठीक है चलिए सो दिस इज लाइक काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन जहां से आपको पता चल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह का है कौन कौन सी सिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी इस रिवर बेसिन में सो दैट वॉज ऑल अबाउट Amazon रिवर बेसिन टेंट टॉपिक विच इज गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन क्या समझना है हमें यहाँ से पहली बात तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन राइज कहां से हो रहा है ठीक है देखो इंडिया हैज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव फ्लैट एंड फर्टाइल प्लेन ठीक है इन द वर्ल्ड These plains lie to the south of Himalayas and they extend from Satluj in west to Brahmaputra river in the east. ठीक है यहां देखिए ये आपको मैप दिखाई देगा जहां पे आपको क्या आपको रिवर सतलुज कहीं नजर आ रही है बताइए वेरी इजी एंड यू शुड डेफिनेटली नो कि कोई भी रिवर का फॉर्मेशन कहा से हो रहा है ठीक है और ये रिवर कहाँ पे जाके फॉल हो रही है तो so, चलिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करते हैं ठीक है तो मी जस्ट हाईलाइट दिस फॉर देन वी आर गुड टू गो हाँ तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जब हम बात करते हैं बेटा तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स दी लाइक हिमालय एंड सुंदरबन डेल्टा कहाँ से कहां तक आपको देखने के लिए मिलेगा इनका जो लाइक इसको हम इसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं हम हम इंक्लूड कर रहे हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स ठीक है ये तो हो ही रही है नाम से ही पता चल रहा है देन हिमालया एंड सुंदरबन डेल्टा ऑल्सो इज कवर्ड इन इट ठीक है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज मेड अप ऑफ एल्यूवियम ब्रॉड बाई गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड देयर न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ठीक है तो लाइक like, गंगा और यमुना के द्वारा और साथ में इनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो क्या लाए जा रहे हैं बताइए जो एल्यूवियम लेकर आए हैं लाए जा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण हो रहा है ठीक है आगे देखते हैं गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर ठीक है कहां से ओरिजिनेट होती है गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से ठीक है कहां पर हिमालयास में ठीक है भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स ज्वाइन फ्रॉम ज्वाइन टू फॉर्म गंगा देखो गंगा को ना अलग अलग रीजन में कई अलग अलग जो नदियां हैं वो क्या करेंगी ज्वाइन करेंगे ठीक है और उसी के बेसिस पर इनके अलग अलग नाम भी होंगे कौन सी रिवर किसको कहां से कनेक्ट कर रही है उसके बेसिस पर इनके नाम होंगे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू बताइए कि अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों जहां मिलती हैं बोले तो अलकनंदा और मंदाकिनी का जहां संगम होगा हम उसको क्या बोल देंगे रुद्रप्रयाग बोल देंगे ठीक है प्रयाग बोल देंगे ठीक है अब अलकनंदा और एक है लाइक like नंदाकिनी यह, यहाँ तो मंदाकिनी थी तो हमने रुद्रप्रयाग बोला नंदाकिनी के साथ जब होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे नंद बोलेंगे ऐसे ही देर आर सम डिफरेंट प्रयाग्स आल्सो लाइक कर्ण प्रयाग ठीक है लाइक देर आर सम अदर लाइक प्रयाग्स आल्सो जो किस बेसिस पर हम उनको नाम दे रहे हैं कि कहाँ पर गंगा या कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी कहाँ किससे मिल रही है ठीक है तो so, गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार ठीक है ये प्लेन भी कहाँ से एंटर करना शुरू कर दिया हरिद्वार से द गंगा बेसिन स्ट्रेच फ्रॉम डेली टू कोलकाता दिल्ली से कलकत्ता तक आप गंगा बेसिन का स्ट्रेच जो है वो देख पाएंगे इट इंक्लूड पार्ट ऑफ हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार वेस्ट बेंगाल राजस्थान एंड मध्य प्रदेश तो बताइए कितने स्टेट हो गए भाई हरियाणा वन उत्तर प्रदेश टू उत्तराखंड थ्री बिहार फोर वेस्ट बेंगाल फाइव ठीक है राजस्थान सिक्स एंड मध्य प्रदेश सेवन ठीक है एंड नाउ दिस बेसिन कवर्स लार्जर एरिया देन ब्रह्मपुत्र बेसिन ये ये जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन से भी बड़ा एरिया जो है कवर कर रहा होता है ठीक है देखो उसने कितने सारे स्टेट्स को कवर कर लिया उसने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ठीक है उसने बिहार उसने वेस्ट बंगाल सबको तो कवर कर लिया लगभग अब बात करते हैं पहले ब्रह्मपुत्र बेसिन की ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या है भाई नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्या करता है ये लाइक करता है एंड देन ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेस फ्रॉम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर ठीक है नियर लेक मानसरोवर मानसरोवर के पास में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है जहां पर ये क्या करता है यहां से ब्रह्मपुत्र बेसिन का राइज़ देखने के लिए मिलता है ब्रह्मपुत्र रिवर का राइज़ देखने के लिए मिलता है ठीक है अब ये जो हमने ग्लेशियर की बात करी कहां पर है ये तिब्बत के अंदर है तिब्बत कहां दिखाई दे रहा है ये रहा तिब्बत ठीक है और ये देखिए ये मानसरोवर लेक है और यहीं पर ये ग्लेशियर है जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ से ये गंगा निकल रही है ठीक है तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स ज्वाइन टुगेदर बिफोर ड्रेनिंग इन टू बे ऑफ बेंगाल टुगेदर दीज रिवर्स फॉर्म लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल डेल्टा इन द वर्ल्ड दी सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र जब अपने लाइक like वाटर को इवेंशुअली कहाँ पर बे ऑफ बंगाल में क्या कर रही होती हैं लाइक like उनका फॉल हो रहा होता है उससे पहले जहां पर ये एक डेल्टा फॉर्म करती हैं उस डेल्टा को हम क्या कहते हैं सुंदर डेल्टा कहते हैं और ये जो डेल्टा है इट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल डेल्टा ओके अ मेजर पार्ट ऑफ दिस डेल्टा इज नाउ इन बांग्लादेश अब इस डेल्टा का मेजर पार्ट आपको कहां देखने को मिलता है यहां इस बांग्लादेश के अंदर ठीक है क्लाइमेट कंडीशन किस तरह की हैं देखो ये तो अपने आसपास के रीजन की बात हो रही है तो वी शुड डेफिनेटली नो कि किस तरह का क्लाइमेट है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एक्सपीरियंसेस मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ठीक है दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट समर्स वेट मॉनसून एंड कोल्ड विंटर्स ठीक है जब हम बात करेंगे मॉनसून टाइप क्लाइमेट की तो हम कहेंगे कि समर्स कैसी हैं हॉट हैं ओके मॉनसून कैसे हैं वेट है, है जाहिर सी बात है और सम लाइक विंटर्स कैसी हैं कोल्ड है ठीक है मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टेक प्लेस ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन ठीक है एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते वक्त रेनफॉल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा द कोस्टल एरियाज एंड एरिया प्लीज इन क्लाइमेट बट इंटीरियर एक्सपीरियंस इज एक्सट्रीम क्लाइमेट ठीक है चलिए द फॉरेस्ट इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आर मोस्टली ट्रॉपिकल डेसिडियस ठीक है इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आपको किस तरह के फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस देखने के लिए मिलते हैं एंड दीज फॉरेस्ट यील्ड वैल्यूएबल टिम्बर साल टीक पीपल एंड बेम्बू आर इम्पोर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दिस दीज फॉरेस्ट ठीक है किस तरह के फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर ही सारे नाम आपको बता दिए गए हैं ओके okay. डेल्टा रीजन हैज मैंग्रोव फॉरेस्ट डेल्टा रीजन में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन सम पार्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश अ लार्ज पार्ट ऑफ दीज फॉरेस्ट हैैंड फॉर एग्रीकल्चर दॉरेस्ट आर रिच इन वाइल्ड लाइफ ठीक है तो किस तरह की वाइल्ड लाइफ देखने के लिए मिलेगी रिच वाइल्ड लाइफ देखने के लिए मिलेगी ठीक है आप देखो यहाँ पे आपको नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देखने के लिए मिलेंगी एलिफेंट डाइनासोर्स टाइगर्स मंकीज दीज आर फाउंड हियर ठीक है इन द डेल्टा रीजन रॉयल बेंगाल टाइगर्स क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर फाउंड ठीक है अ लार्ज वेराइटी ऑफ फिशेज बहुत सारी क्या देखने के लिए मिलेंगी मछलियां ठीक है सो सच एज रोहू कैट उट द्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है आपको मॉनसून टाइप के क्लाइमेट देखने के लिए यहां मिल रहा है अब लोग किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है बेटा ये भी देख लेते हैं फटाफट से ठीक है तो एग्रीकल्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल द ईयर आप पूरे साल क्या कर सकते हैं कृषि कर सकते हैं फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल डिपोजिट बाय रिवर्स कमिंग फ्रॉम दी माउंटेन्सर सी बात है ना जो डिपोज ये जो डिपोजिट इतनी सारी सॉइल हुई है आई कहाँ से है लाइक like, जो रिवर्स हैं वो उसको इरोड कर करके लेकर आई हैं ठीक है एंड वी ऑलरेडी नो व्हाट इज इरिगेशन ठीक है एंड देन ओके स्पेशली मेक फार्मिंग इजियर एंड आर ऑल्सो यूजफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज चलिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगी तो

टी इज मोस्टली ग्रोन प्लांटेशन इन आसाम एंड वेस्ट बेंगाल सिल्क वॉर्म आर रियर्ड इन पार्ट ऑफ बिहार वेस्ट बेंगाल एंड आसम सिल्क वॉर्म को क्या किया जाता है पाला जाता है किस लिए पाला जाता है सिल्क फॉर्मेशन के लिए सिंपल सी बात है ठीक है ना देन यू कैन सी यहाँ पे आपको कॉटन जूट सिल्क शुगर केन ऑयल सीड दीज आर बींग प्रोवाइडेड ठीक है दे प्रोवाइड लाइक द बेसिक रॉ मटीरियल फॉर द टेक्सटाइल शुगर एंड एडिबोल ऑयल इन इंडस्ट्रीज ठीक है कल्टिवेशन फॉर फूड क्रोप्स एंड प्राय सभी तरह के आपको क्या देखने के लिए मिल रही है लाइक like, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो जिस जिस फील्ड में आपके लिए फेवरेबल है तो आप सब तरह के लाइक like, ऑक्यूपेशन को लोगों को लाइक uh, like, करते हुए देखते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लिव इन विजेस ठीक है इन द रूरल एरिया अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर मेनी कॉटेल इंडस्ट्रीज ऑल्सो डेवलप कई मतलब कृषि के सिवाय भी कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है लाइफ स्टाइल ऑफ द रूरल पीपल कैसा है इट इज इंप्रूविंग ठीक है एज दियर इनकम इज इंक्रीजिंग ठीक है और प्रेजेंट डे गवर्नमेंट तो बात भी करती है सरकार क्या बात करती है बात करती है कि भाई हम किसानों की आय क्या कर देंगे दुग्नी कर देंगे तो जाहिर सी बात है उनका लाइफ स्टाइल भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा इम्प्रूव देखने के लिए मिलेगा क्योंकि उनकी इनकम क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है चलिए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन टेन लैक ठीक है बैंक ऑफ द रिवर ठीक है इलाहाबाद वाराणसी पटना कोलकाता एंड गुवाहाटी ठीक गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ज अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक बहुत ही बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है द रिवर्स प्रोवाइड इनलैंड वॉटरवेज द डेंस नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवेल्प द ग्रोथ एंड रिवर्स ओके एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्रीज एंड टूरिज्म ठीक है कोलकाता इज अजी पोर्ट ऑन द हुगली रिवर मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज आर लिंक बाई एयर सर्विस कई सारी बहुत सारी जो आ, क्या है बड़ी जो बड़े शहर हैं उनको किसके द्वारा लिंक किया गया है एयर सर्विस किया गया है तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या बात की है देखते हैं पटापट से दमेजोन इज द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैरीज इज इट ट्रू यस डेफिनेटली इज ट्रू आगे पढ़ते हैं

Okay, so let's move on to the exercise 1. Okay, which of the following is not a part of Amazon Basin? Amazon Basin ka part kaun nahi hai? Bolivia, Brazil definitely hai, Equator or Chile. Chile is not the part of Amazon Basin. Okay, which of the following animal is found in the rainforest of the Amazon Basin? As you can see the options are repeated from question number 1. So we will say this question is actually incorrect. Okay, we are not going to attempt this. The length of the Amazon river is 6400 kilometers and then which of the following is not the tributary of Ganga? Dekho Ghagra, Son, or Damodar definitely Ganga ki tributaries hain. Kam so, kahenge Lohit is not the tributary of Ganga. Let's quickly circle these answers and then we are going to move on to the next question or next uh, exercise. Okay. Charlie Which of the following? Question number 1, option number D. Yes. ओके थ्री ऑप्शन नंबर सिक्स थ्री फोर हंड्रेड हमने क्वेश्चन नंबर टू को क्यू लीव किया है क्योंकि ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं ठीक है प्लीज मेक श्योर योर सर्कल्स ऑफ फिल्ड प्रॉपरली सो दैट ऑफ कोर्स वी विल हैव लेस और लो पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग आर मार्क्स राइट चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ऑप्शन नंबर बी ओके दिस वाज लाइक फिल्ड इन करेक्टली क्वेश्चन नंबर थ्री एंड वी विल से इट्स इट्स नॉट ए बट इट्स सी तो वी विल सर्कल हियर यस ओके क्वेश्चन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर सी राइट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ऑप्शन नंबर बी let's quickly circle this question number four option number b what is the answer low hit yes okay let's quickly move on to the next exercise which is uh, fill in the blanks dash is a staple food of tropes for people of amazon basin it's cassava yes Cassava. प्लांट लाइफ ऑफ द अर्थ प्लांट लाइफ को हम क्या कहते हैं देखो हम हमने कई बार रिपीट किया एक वर्ड फ्लोरा एंड फोना हमने बात की थी तो वी कॉल इट फ्लोरा राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट दंगा ब्रह्मपुत्रा बेस इन ऑल्सो लाइज इन बताइए नेपाल एंड बांग्लादेश ठीक है तो वी कैन से आइदर लाइक नेपाल एंड बांग्लादेश अगर आप इसमें से लाइक नेपाल भी लिख देंगे या फिर सिर्फ बांग्लादेश भी लिख देंगे दैट विल आल्सो वर्क फॉर यू नाउ टेल मी द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ एमेजो बेसिन आर कॉल्ड पंपास क्या हम एमेजॉन के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उनको पंपास बोलते हैं सो दैट इज हंड्रेड परसेंट फॉल्स हम इनको पंपास तो नहीं बोलते हैं सेल्वा बोलते हैं राइट सो इट इज फॉल्स आगे बढ़ते हैं दमेजॉन इज पेरिनियल स्नो फेड रिवर इज इट ट्रू चल मी आई मीन हमने देखी थी कि क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह की है क्या वहां पर स्नो फेड रिवर हो सकती है सोचने वाली बात है क्वेश्चन में दो चीज एक साथ दे दी गई देखो वॉट इज इट सी एमेजॉन इज पैरिनियल यस बट इज इट स्नो फैड बताइए कि क्या अमेजॉन का जो राइज है वो किसी लाइक लाइक ग्लेशियर से हो रहा है नहीं हो रहा है लेक से हो रहा है राइट right? तो फिर हम ये कहेंगे कि इट इज द स्टेटमेंट इज फॉल्स एक्चुअली अगर हमको केवल पेरिनल दिया होता हम कहते ट्रू ओके ओके द नदन प्लेन्स इज अबाउट ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर इन लेंथ वॉट इज योर आंसर सो इट्स हंड्रेड परसेंट ट्रू राइट सो से इट्स ट्रू दैट इज ऑल फॉर टूडे एंड आई होप द कॉन्सेप्ट मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू लाइक वट इज Uh, tropical region what is subtropical region and what kind of uh, uh, flora and fauna is found in ganga brahmaputra region and what kind of flora and fauna is found in where tell me we talked about the amazon basin right so if you have still you if you still have any doubt i would suggest keep revising keep learning keep practicing because that will only clear all your doubts right i'll see you in the next session bye bye